मैंने एक दफा नहीं, मैंने खुदा की कसम दो दफा की है मुलाकात। मुझे बड़े स्टैंडपति करके गवर्नर साहब अपने चैम्बर में ले गए और मेरे मुंह में वो डालना चाहते थे सेंटेंस कि आप तो नहीं मिले ना उनसे आफाक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान और मैं हूं जमील फारूकी। आज हम मौजूद हैं कराची के रिहायशी इलाके गुलिस्तान जौहर की जौहर चुरंगी के एक सड़क किनारे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कराची एक मरतबा फिर जल रहा है। कभी तो कराची को फायरिंग और टारगेट किलिंग के वाकयात का सामना करना पड़ता है और कभी सियासतदानों के बयानों के अताब का। एक मरतबा फिर सूरत हाल ऐसी है कि कराची में खून की होली खेली जा रही है और साथ के साथ सियासतदानों के जो मुतनाज़ा बयानात हैं उसने आम शहरियों का जो जीना है वो मुश्किल करके रख दिया है। मैं आपको तस्वीर कशी करता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 11:30 बजे के करीब रात में जब ये बयान आया 12 बजे के करीब ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से, उसके बाद यकायक पूरे शहर में जो है एकदम से सन्नाटा सा छा गया। लोग घरों की तरफ भागने लग गया, भगदड़ सी मच गई और मामलात इंतहाई कशीदा हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर, एक रिहायशी इलाका है और यहाँ की मसरूफ़ तरीन चुरंगी है जौहर चुरंगी, इसके सड़क किनारे मौजूद हैं और आज हम लोगों से बात करेंगे। अपडेट आपको देते चलें कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से जो है माफ़ी मांग ली गई है और बाकायदा तौर पर रिटर्न माफ़ी मांगी गई है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि यहाँ के आवाम जो कि मुश्तइल हैं यकीनी तौर पर दिल आज़ारी हुई है और इस तरह के मुतनाज़ा बयानात से ख़ास तौर पर जो कि लोगों की दिल आज़ारी के लिए दिए गए हों यकीनी तौर पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जिस तरह से बयानात दिए गए ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से यकीनी तौर पर दिल आज़ारी हुई है, तो क्या समझते हैं एक सियासतदान की हैसियत से या सियासी जो है कारकुन की हैसियत से उनको देना चाहिए था ये बयान? जनाब, वो पहली बात तो ये है, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लोग कहते हैं सीनियर सूबाई वज़ीर। जी जी, मैं कहता हूँ सीनियर सूबाई दहशतगर्द है। वो नशे में शराब पी पी के MK वालों को और उर्दू बोलने वालों को गाले बक रहा है। ये भूल गया उर्दू बोलने वालों ने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को बनाया और आज तक पाकिस्तान को बचाया और आइंदा भी हम पाकिस्तान को बचाएंगे। हम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को गाली देने पर बहुत मुश्तइल हैं और जब तक अल्ताफ हुसैन भाई से वो खुद माफी नहीं मांगेगा और पार्टी से इसको नहीं निकाला जाएगा और सुबाइयत से इसको नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा 72-71 में पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को जुड़वाया था और ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा आज सिंध को जुड़वा रहा है। और MKM और अल्ताफ हुसैन भाई और उर्दू बोलने वाला कोई भी और जहाँ भी रहता हो वो नहीं चाहता सिंध की तरफ सिंध जाता। हम नहीं चाहते, सिंधी भी, महाजिर भी, पठान भी, उर्दू भी, सराय की भी, सब हमारे भाई हैं। बिल्कुल सब हमारे भाई। ये बताइएगा कि जो मंजूर वसान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि हम माजत करते हैं। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने भी जो है तहरीरी माफ़ीनामा जो कि दिखाया गया है वो मांगा है, तो क्या इससे जो है जिस तरह से दिल आज़ारी हुई है क्या वो वापस हो सकती है? जी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये फिल्म के अंदर जब एक हीरो फाइटिंग करने आता है तो खुद नहीं लड़ता, वो डायरेक्टर के कहने पे लड़ता है, तो इसका मतलब ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कहा गया होगा कि MKM को दुबले गालियां दो। हम इसको नहीं मानेंगे जब तक वो अल्ताफ हुसैन भाई से खुद माफी ना मांग ले। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे हम, कोई हमारे साथ अगर दूसरा भाई भी बात करे, आप ये बताइएगा कि क्या ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती? बाद अवकात पार्टी की तरफ से जब बयानात आते हैं या पार्टी ना भी दे या कोई पर्सनल बेसिस पे दे जाए अपने बयानात, तो पार्टी जो है ना उसको ओन नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बारह यही कहा गया है कि ये ज़ाती बयान था ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, तो क्या समझते हैं कि ये ज़ाती बयान है? जनाब, गलती इंसान से एक दफ़ा होती है, दो दफ़ा होती है, तीन दफ़ा होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खड़ो के उसने उर्दू बोलने वालों को गालियां बकी है, कमबख्त बोला है, भूखा नंगा बोला है। और पार्टी सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई की अकेले की पार्टी नहीं है, पार्टी 17 करोड़ आवाम की MKM है और पूरी 17 करोड़ आवाम से इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जनाब, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सन ऑफ सॉइल असल जो है पाकिस्तान के बहुत लोग, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी थी, इन लोगों ने नहीं दी थी। इन लोगों को तो सुबह रेडियो पाकिस्तान पे जब रेडियो पे नशर हुआ तो इन्हें पता चला कि पाकिस्तान बन गया। इन लोगों को तो हमने थाली में रख के दिया था पाकिस्तान, लेकिन अब दोबारा हम थाली में रख के नहीं देंगे। इन वडेरों से, जागीरदारों से और गासिबों से हम पाकिस्तान को पाक करेंगे और हम इसकी माफ़ी को नामंजूर करेंगे। चले, 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 चले।
मुतालबा है पूरी उर्दू स्पीकिंग कौम पूरी पाकिस्तानी कौम, आज आप ये देख लेंगे कराची से कश्मीर तक पूरी आवाम एक हुई भी। अच्छा मुझे मुझे ये बताइएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह के बयान देने से पहले भी पार्टी से इजाज़त ली जाती है, पाकिस्तान में शायद ये कल्चर चल निकला है कि जिसका दिल करता है अपनी मर्ज़ी से बयान दे देता है। इसके अलावा एहतजाज के हवाले से भी मैं एक बात करना चाहूँगा, वेरी न्यूट्रल हो गए कि एहतजाज करने के लिए भी तरक्की याफ्ता ममालिक में ख़ास तरीक़ाकार होता है, ख़ास एक पॉइंट्स बने हुए होते हैं जहाँ बैठ के जहाँ मिल के पार्टी लेवल पर एहतजाज किए जाते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ से आज तक एहतजाजी इन वाक़ियात में तकरीबन 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आतिश हो चुकी हैं, 16 से ज़्यादा अफराद जाँबाक हो चुके हैं और काफ़ी लोग हैं जो कि इंजर्ड हैं। तो क्या कहते हैं कि एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से कराची के शहरी होने की हैसियत लिसानी बुनियाद पर नहीं, क्या ये बेहतर है? नहीं, ये खुद करवा रहे हैं, रात से शुरू कर दिया, ये खुद करवा रहे हैं, इन्होंने बयान पहले दिया उसके बाद फिर ये सारे खुद ही करा रहे हैं। क्या लोग अंधे हैं? क्या लोगों के पास आंखें नहीं है? सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये खुद करवा रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि रहमान मलिक ने कल जो कहा था कि हम कराची में होने वाले वाकयात और फायरिंग का नोटिस लेते हैं, सारे दोगले रहमान मलिक से लेके सब मिले हुए, क्या उसने यहाँ पर आके बयान दिया? किसी को पता नहीं है कि इसने क्या बयान दिया, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हमेशा यही करता है, इसको सजा मिलनी चाहिए वरना हमें से कोई सुकून से नहीं बैठेगा। अच्छा, कराची, ये कराची हमारे कायद का है, ये कराची महाजर का है, किसी के बाप का नहीं है ये कराची। अच्छा, अभी आज जो है मंजूर वसान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका ये कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी सदर जरदारी के मुताबिक इस तरह के बयान दिए गए हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। देखिए ये बताइएगा कि उनका कहना यह है कि जब हमारी तरफ से माफ़ी मांगी गई है तो उनकी तरफ से भी इस तरह का झूठ माफियाना रवैया होना चाहिए? कभी मुत्तहिदा के किसी लीडर ने ऐसा कोई नादेबा अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए? ये लोग उर्दू स्पीकिंग की लाशों पे सियासत कर रहे हैं, शर्जील मेमन के घर पे इन्होंने पहले जश्न मनाया एएनपी को मिला के, अब कल इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने यहाँ पे शाही सैयद के मर्दान हाउस पे इन्होंने वो किया और वहाँ पे ये लोग बाकायदा जश्न की महफिलें मुनक्किद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है शायद आप CNBC आप खुद नुमाइंदे हैं, आप तो मीडिया में सारी खबरें शाया करते हैं, आपको तो वो इनके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का वो बात वाकई भी याद होगा, उसने कहा था अगर MQM ओपोजिशन बैठेगी तो उसके हालत कराची की हालत खुद जिम्मेदार होगी, और वो MQM ने जब रिजाइन किया उसके फौरन बाद कड़ी पहाड़ी पे 450 महाजनों की लाशें जली हैं वहाँ पर। आपके ख्याल में इस तरह के जो पार्टी के लीडर्स हैं, लीडर्स हम नहीं कहते कारकुन कह लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल तो बहरहाल हैं, तो ऐसे अफराद जो कि पार्टी लीडर्स की बगैर परमिशन के उस पर फिर बाद में पार्टी उसको ओन भी नहीं करती, तो ऐसे लोगों के बयान देने से कबल पार्टी को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? बात सारी है पार्टी को एक्शन को लेना चाहिए, पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? पार्टी खुद तो उसके जरों में से कहलवा रही है और पार्टी हाईजैक हुई हुई है इन गुंडों के हाथों, ये असल पीपल्स पार्टी है ही नहीं, असल पीपल्स पार्टी वाले ये बेनजीर के कातिल है, बेबी के कातिलों का टोला है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की असल जो लीडरशिप है वो तो हाइडिंग में, वो तो साइड पे हुई हुई है, ये तमाम जो जेल की दोस्तियां हैं पटारों की दोस्तियां हैं ये सारी वो निभाई जा रही हैं, सारे एक ही टोले के सारे लोग हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊं मैं, एक और चीज़, अच्छा ये बताइएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अलग हो चुकी है, आपको भी पता है इस चीज़ का, पार्टी लेवल पे सब लोग जानते हैं, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे इफाक और सूबाई सियासत से अलग होने के बाद ये लोग चल पाएंगे? जी नहीं, MQM नहीं तो कुछ भी नहीं है, MQM है तो पाकिस्तान है, MQM है तो ये पार्टी है और हुकूमत है, और अगर MQM नहीं है तो सरदारी हुकूमत खत्म हो चुकी है। मुत्तहिदा अलग हुई है, जो सियासी तरीका है हम अलग हो गए, हमने वजारतें छोड़ दी, हम इसके खिलाफ में आ गए, आप हुकूमत करो, मगर ये हुकूमत नहीं कर सकते तो ये उल्टा हमारे ऊपर चढ़े बैठे नाहल लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे, हम तो सियासत से उनकी हुकूमत छोड़ गए, अपोजिशन दुनिया में होता है, बिजली यहाँ नहीं है, जो हर चीज की चोरी हो रही है, क्या दिया इसको हुकूमत ने हमें सिवा परेशानी के, कदर गलतगरी के, क्या दिया है बेरोजगारी के, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, काम हम लोगों के पास नहीं है, क्या करें हम लोग यार, और ऊपर से इस तरह की स्टाल इनके गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये बताइएगा कि क्या हमारे हुक्मरान या सियासतदान या पार्टी के कारकुनान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, क्या वो गुफ्तगू के आदाब से और शाइस्तगी से नावाकिफ़ हैं?
देखें जनाब, एम क्यू एम के कारकुनान है वो हर एक की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन जुल्फकार मिर्जा जाहिल जैसा जागीरदार वगैरह ये जो है कौम को गुलाम करना चाहते हैं, ये यहाँ नहीं चलेगा कराची में, ये कराची में ये सब नहीं चलेगा उसकी, ये सिंध में रखे ये सब बातें। जनाब आली, ये एक तो हमें कौमी इदारों से लड़वाना चाह रहे हैं, फौज से लड़वाना चाह रहे हैं, लोग साजिशें कर रहे हैं। ये जो छुट्टी पे गया था अमेरिका, ये वहाँ से एक एजेंडा लेके आया है ये मुल्क तोड़ने के खिलाफ, ये साजिश कर रहे हैं ये लोग मिलके, शाह सैयद और ये तमाम मिलके के, ये लोग असल में मुल्क दुश्मन यही लोग हैं और पहले भी इनकी मिसालें मिल चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के रिहायशी इलाके गुलिस्तान जौहर में, जौहर चुरंगी के सड़क किनारे, और बात हो रही है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से दिए जाने वाले बयान के बाद आवाम का जो रद्दअमल है, जो इश्तआल है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इस वक्त जो है कराची एक मरतबा फिर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो लोगों का रद्दअमल है, जो इश्तआल है, वो अपनी जगह पर। सियासी लेवल पर जब बयान दिए जाते हैं तो बयान देने से पहले ना तो पार्टी से परमिशन ली जाती है, खुद पार्टीज़ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कहीं दिखाई नहीं देती, किसी आला अहदेदार से बयान देने से कबल जो है इजाज़त नहीं ली जाती, जबकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब हमारे अगर किसी लीडर को ये कहा गया है तो दूसरे के लीडर को कहने से क्या हुआ, माफ़ी दोनों तरफ से मांगी जानी चाहिए। इन तमाम बातों से कतई नज़र आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कराची शहर में जो अमन आमा की सूरत हाल है, क्या वो किसी तौर बेहतर हो सकती है। पुलिस रेंजर्स की रिट बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देती है। नाज़रीन, यहाँ टाइम हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी इशू पर मजीद और किसी दूसरी जगह चलेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। आपने कुछ तो माफ ही नहीं करेंगे,